राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित होटल मैरियट में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से 16 से 19 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट्स फॉरएवर मिस व मिसेज वैटीन 2022 के दूसरे चरण का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें इस पेजेंट के मिस वैटीन कैटेगरी के फिनाले राउंड का आयोजन हुआ। इस राउंड में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए 40 से अधिक मिस व टीन कैटेगरी की मॉडल्स ने सज संवर कर रैंप वॉक किया और सभी की क्राउनिंग की गई। आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस पेजेंट की स्टेट विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी काफ़ी बड़े स्तर पर की गई। इसमें इंडिया के लगभग हर एक राज्य से मॉडल ने पार्टिसिपेट किया और विनर का टाइटल क्राउन अपने सर पर सजाया। सभी स्टेट विनर्स को क्राउनिंग के साथ साथ शैंस ट्रॉफी सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और सम्मानित किया। इसके अलावा जिस डिजाइनर ड्रेस में विनर्स की रैंप वॉक व क्राउनिंग हुई, उस डिजाइनर गाउन्स उनको गिफ्ट के तौर पर दिए। वहीं कॉस्ट्यूम डिजाइनर अभी शर्मा व हर्षित ने सभी विनर्स की स्टाइलिंग की और फॉरएवर मिस द्वारा फैशन द्वारा डिजाइनर गाउन्स सभी विनर्स को गिफ्ट किए। विनर्स का मेकअप ओवर अपूर्वा, चिंका, रवीना, मनी अरोड़ा, तानिया, तन्वी और पूजा द्वारा किया। विनर्स ने सिलेक्ट ज्वेलर बॉय कृष्णा रावत की ज्वेलरी से खुद की खूबसूरती को बढ़ाया। सभी विनर्स की ग्रूमिंग व कोरियोग्राफी शैलजा सूरी के साथ साथ असिस्टेंट ग्रूमर साक्षी शेखर व सलोनी गुस्साई द्वारा की गई। शो की एंकरिंग एंकर अजीत सिंह व मीन शर्मा द्वारा की गई। शो की खूबसूरत फोटोग्राफी हर्ष कैजे के ओनर हर्ष जांगिर द्वारा की गई। इस नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट को तीन स्टेप्स में किया जा रहा है। अगस्त में सिटी विनर्स की क्राउनिंग के बाद अब इस महीने में स्टेट विनर्स की जयपुर में ताजपोशी की जा रही है। इसके बाद दिसंबर में गुलाबी नगरी जयपुर में नेशनल लेवल क्राउनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक का तीन एज में आपने अपना पार्टिसिपेट चुनी गई, कैसा महसूस हुआ और फॉरएवर स्टार इंडिया के लिए लोगों को क्या मैसेज था? So firstly, I would like to thank my parents who have supported me through this journey. Like, it's been really tough, but it has helped me a lot and I've learned many things. I think confidence is the key for everything. And I would also like to thank my state and my city, Bangalore, for all the support that I've got. And I would really like to thank FCR for this great opportunity. It has helped me a lot. It is, I think it has chosen the right person for this place. And yeah, I'm really excited and this journey was really good. And I hope I'll carry many memories back home with that trophy as well. And I'm all set for the nationals and hope I'll win that as well for my state, Karnataka. Thank you. Katyayani Bolineni. ये सफ़र बहुत वंडरफुल रहा। दो दिन पहले दो दिन पहले मिसेज का था तो आज मिस एंटीन का था। सो हमारी पूरी टीम ने जो एफर्ट डाला है वो उसका कम्स ट्रू करके दिखाया हुआ है। सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली ख़त्म हो गया है और हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द दिसंबर प्रोग्राम अगेन। मैम ये बताइए कि आज टीम का भी था, कैसा रहा टीम वालों का, क्योंकि एक छोटे उम्र की बच्चियाँ वो यहाँ पर आई हैं, किस तरह, क्योंकि मिस और मिसेस तो अक्सर होते रहते हैं लेकिन टीन एजर्स के लिए एक बहुत मतलब ज़बरदस्त वाला मामला होता है कि इस उम्र के अंदर। हाँ, ये चीज़ बहुत हमें तो बहुत खुशी लगा कि ये हो रही है और इट्स वंडरफुल कि बच्चों को अपने आप को ग्रूम करने का एक मौका मिला। हर कोई चाहता है, घर पे वो अनेक ट्रेन करते रहते हैं डांसिंग से लेकर के हर चीज़ में, पर प्लेटफॉर्म मिल करके उसके सामने आना और सभी के सामने अपनी कैपेसिटी दिखाने, टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिला। सो ये बहुत अच्छी रही उनके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही, ताकि हर टीम को अच्छी तरह से संभाले। जो हमारे मैम है उन्होंने इतने अच्छे से उनको ग्रूम भी किया और वो खुद आए अब ब्रेव होकर के कि सामने आकर के सबको साथ बोलने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सो अपने आप को ग्रूम किया वो, उसके लिए हम भी बहुत प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। सो इट्स वेरी नाइस। आपका नाम? मेरा नाम बिंदु वागले। थैंक यू। और किस तरीके का यहाँ पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया?
तो आप काफ़ी आप मीडिया हैं और आप काफ़ी पैजेंट्स में जाते होंगे, देखते होंगे, पर आपने कहीं भी टीन कैटेगरी नहीं देखी होगी। ये बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है जो हम अपने FSIA की क्राउनिंग एंड पैजेंट्री में लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ बल्क है, अगर हम उसको स्टेज अपीयरेंस एंड अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हम उनको बहुत सक्षम बनाते हैं आगे की ज़िंदगी में अपने करियर में सक्सीड होने के लिए। सो हमने यही सोचा है और दैट इज़ वाई हमने टीन कैटेगरी स्पेशली रखी है, जिसमें कि 15 इयर्स एंड अबव अक्रॉस द कंट्री से गर्ल्स आई हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है और अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया है और जो इवेंट है वो आपके सामने है। आपका नाम? मैं शैलजा सूरी हूँ और मैं इस पूरे FSIA की इवेंट की हेड ग्रूमर हूँ और शो कोरियोग्राफर। इवेंट कई है, हम फिलहाल भी चल रहे हैं, लेकिन फॉरएवर किस तरह से अलग रहा और खासतौर से इस बार का इवेंट क्या है? फॉरएवर स्टार इंडिया ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक इसलिए बनाया है कि जितने ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर रूरल एरियाज़ की फीमेल्स को, मॉडल्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का चांस नहीं मिल पाता, इसलिए इसको कम्प्लीटली यूनिक बनाया कि इसके ऑडिशन से लेकर के टैलेंट राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक परिवार के साथ कराया जाए और सिटी विनर की क्रॉनिंग परिवार के साथ कराई जाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, जिसके आगे जा करके वो वाकई अपनी मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमा सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बिल्कुल अलग है कि 80% जर्नी उनकी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, घर के सपोर्ट के साथ होती है। मिस टीन का भी इसमें आयोजन किया गया है और अब मिस FCA और मिसेज FCA की तैयारियां शुरू हो चुकी है दिसंबर के फिनाले, ग्रैंड फिनाले के साथ। सर, ऐसे प्रेजेंट्स के अंदर में अक्सर लड़कियों को बड़ा रिस्क होता है उनके पेरेंट्स की उसके, लेकिन फॉर एवर स्टार इंडिया जो FCA है एक अलग हट करके है, तो लोगों का विश्वास किस तरीके से आपने जीता? लोगों का विश्वास काम को देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के, मीडिया ने पूरा कॉपरेट किया, मीडिया ने एक एक चीज़ उनको अच्छे से बताई, तब जाके उनका हमारे पे विश्वास बना। पूरी टीम ने उनको कॉपरेट किया, बहुत अच्छे से समझाया। रिस्क जैसा पार्ट फॉरएवर स्टार इंडिया में, फॉरएवर मिस इंडिया, मिसेज इंडिया, मिस टीन में कोई है ही नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, उनकी फैमिली से उनको अलग करके कोई ट्रेनिंग, कोई सेशन, कोई राउंड नहीं किया जाता। साथ ही साथ उनको पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके ही स्टेज पे लाया जाता है और स्टेज पे लाने के लिए भी सिर्फ उनके पास 2 दिन होते हैं जहां वो पूरे सिक्योर महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। खुशी मैम, बताइए कितने खुश हैं इस प्रोग्राम में? हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं बहुत खुश हूँ। आपने देख रहे हैं सब कि यहाँ कितने, नॉट ओनली मी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, वो सभी बहुत खुश हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, और सभी तैयारी कर रहे हैं नेशनल्स की, जो कि दिसंबर में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी हमारा सेप्टेम्बर शो है जो कि बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ है, जिसमें टीन एंड मिसेस एंड मिस कैटेगरी के जितने भी इंडिया लेवल से कैटेगरीज है, स्टेट लेवल पर जो कॉम्पिटिशन हुआ है, उनकी क्राउनिंग हमने कम्प्लीट की है। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड बिल्कुल चाहूँगी कि नेशनल्स में भी आपका, मीडिया का इतना ही साथ रहे और आप लोग इसी तरीके से हमारी कवरेज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बड़ी तारीफ होती है आपकी स्टेज के ऊपर जब क्राउनिंग होती है। थैंक यू। बिल्कुल, और जैसा आपने सर से एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि किस तरीके से विश्वास है कैंडिडेट्स के फैमिली को यहाँ पे और क्यों इतना विश्वास करते हैं, बिकॉज अभी से लेके ऑडिशन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके ऑडिशन एंड उसके बाद ट्रेनिंग, सब कुछ हमने वर्चुअल रखते हैं, जहाँ उनकी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ होते हैं, उनकी हर एक परफॉर्मेंस को देखते हैं, हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं और उसके बाद उनकी फैमिली के साथ ही वो यहाँ पे अपना प्रोग्राम अटेंड करने आते हैं। तो फैमिली का इसीलिए यहाँ बहुत विश्वास है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उनकी फैमिली बहुत खुश है और सभी तैयारी कर रहे हैं अपने नेशनल्स को लेकर। थैंक यू सो मच। 4 दिन में सभी तरीके की कैटेगरी। अभी बताइए कि FCA का जो एक ब्रांड बन चुका है, इंटरनेशनल ब्रांड, उसको लेकर के किस तरीके से आगे काम कर रहे हैं? सो ये आप जिन तीन कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, मिस, मिसेज एंड मिस टीन इंडिया, जिसका आज ही हमने समापन किया है और अप्रॉक्सीमेटली 110
स्टेट विनर्स की क्राउनिंग हुई तीनों कैटेगरीज में. ये तीनों जो स्टेट कैटेगरीज के स्टेट विनर्स हैं ये जल्द ही दिसंबर में आगे जाएंगे. और जैसा कि हम आपको ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, फॉरएवर स्टार इंडिया सिर्फ अब नेशनल नहीं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है. 139 कंट्रीज में जो जाने का हमारा प्लान है. हमारी फ्रेंचाइजी जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है वेबसाइट पर विद अदर कंट्रीज ताकि वो अप्रोच करें. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू. पूरा शो जो है वो यहीं से ऑपरेट होगा और पहली मिस एफसीआई एंड मिसेज एफसीआई की क्राउनिंग की जाएगी इसी दिसंबर के अंदर इंडिया लेवल पे. थैंक यू. कितनी मेहनत और कैसे पता लगा फॉरएवर स्टार इंडिया को किसके जरिए से? फॉर खुशी के. आपको कैसा महसूस हो रहा है जीत करके? आई एम वेरी प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या सबक सीखने को? आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई एम एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला मुझे इस टीम से एफसीआर टीम से और मुझे आगे जाने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है. आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या? नेशनल में जाने का. यस. उसके बाद में आगे क्या? आगे अभी नेशनल तो एक बार हो. आपका नाम बताइए. तनु शर्मा. थैंक यू. आप मिस दिल्ली चली गई. यस. क्या कहना चाहेंगी फॉरएवर स्टार इंडिया को लेकर के? दिस प्लेटफॉर्म गेव मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए फॉरएवर. जो भी दे थिंक दैट उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है बट दिस प्लेटफॉर्म गेव मी अ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया हियर. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म. For forever, I think here beauty never matters. Beauty doesn't matter. Your height doesn't matter. Your size doesn't matter. Nothing matter. The thing matter here is confidence. How confident you are. Like आप stage पे कितनी confident हो. किसी के सामने आप अपने आप को किस तरीके से represent करते हो. That matters the most. My name is Jimmy Garima Kumari from Delhi. Thank you. Been really great with for FSI Forever Star India. It has made me believe into myself and I'm also looking for the bigger opportunity and having a lot of expectation from FSI. And I'm also planning to go for the national, international level wherein I can conquer all my dream and achieve whatever I want in my life. Naam bata. Myself, Jyoti Dubey. I'm from Mumbai, Maharashtra. Thank you.